और हमसे गाली गलौज करने लगे। कहते हैं जो ब्लाउज रख रहे थे तो मुखिया जी ने रमेश सिंह जबरदस्ती हमारे ब्लाउज में हाथ देकर उसको फाड़ दिए, बेनंग बना दिए, अपना प्रतिष्ठा को हनन कर दिया, अपने मुख से प्रतिष्ठा हनन कर दिया। है हमारे 60 साल की उम्र है अभी। ये 22 तारीख की मामला है। हम अपने दरवाजे पर बिछे हुए थे, कुछ पंचीती कर रहे थे, 25 आदमी से बिछे। उसी दरमियान में एक हमारे 4 नंबर वार्ड की मुस्लिम महिला आई और कहा हमारे बच्चों की जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दस्तखत करने के लिए गए आंगनबाड़ी सेविका यहाँ, वो दस्तखत नहीं किया। उसके बाद हम आपके यहाँ आए हैं। तो हमने उसको कहा कि अब छोड़ो, नहीं कहता तो हम इसी तरह बनवा देंगे, आप मत जाए। फिर वो गया, फिर वहां से रोते हुए आई, बोली कि हमको उससे 200 रुपया मांग रहा है। हम कहा हम तुमको बोले कि मत जाओ वहाँ, जाने दो, सब बोलना भी नहीं, कहीं हमसे 200 रुपया मांगो। उसी दरमियान में एक पत्रकार थे, उससे बाइक ले लिया, अपना निकाल दिया। तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं। उससे मान लीजिए हम एक मुखिया है मित्रपुर पंचायत के, पूरे बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के सचिव हैं, हम जनता के हित में सारा काम करते रहते हैं, रात दिन एक के होते हैं। हमारे जैसे आदमी पर पूर्व मुखिया घनश्याम पासवान, उनकी पत्नी जो आंगनबाड़ी सेविका है जिसका नाम शील कुमारी है, उम्र 37 साल है, वो हमारे विरोध में लगाए प्रतिशोध भावना में, या उसने निकाला सारे पेपर में निकल गया कि उस 2500 भावना में हमको हम पर मैंने FIR किए हैं, जो कि वर्तमान मुखिया रमेश सिंह उनका हमारे पुत्र को भी लपेट लिया, एक पत्रकार को नीरज कुमार को भी लपेट लिया। कहा कि हम 9:30 बजे हमारे आंगनबाड़ी आए और हमसे गाली गलौज करने लगे और उसके बाद हम वीडियो बना रहे, उस पर हमने अपने मोबाइल को तो अपना क्या कहते हैं जो ब्लाउज रख रहे थे तो मुखिया जी ने रमेश सिंह जबरदस्ती हमारे ब्लाउज में हाथ देकर उसको फाड़ दिए, बेनंग बना दिए, उसके बाद गाली गलौज किए। और नीरज पत्रकार है, बोला कि तुम वो 75,000 का चेन था वो हम ले लिया। इसी तरह के मान लीजिए हम जनता के सेवक हैं, जनहित को जैसे काम करते, हम उस महिला को आज तक देखबो नहीं किए हैं, ना उसके घर पर गए जब से हम मुखिया बने हैं, और हमारा जो मान लीजिए एक नंबर घनघोर विरोधी उसको घर पर नहीं गए हैं। ऐ सब जालसाजी कर रहे राजनीति के तहत से हमको इसमें फंसाया जा रहा है। ये हम सरकार से, अपनी जिलाधिकारी से, अपने पुलिस कप्तान से, अपने अनुमंडल पदाधिकारी से, अपने थानादार अध्यक्ष से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा रवि बाबू कि हम चाहते हैं भगवान इसमें इंक्वायरी किया जाए और दूध का दूध पानी का अगर सत्य होगा इसके लिए हम हर पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हैं। नहीं पसंद पनिशमेंट अगर हम नजायज नहीं हैं और हम सही रास्ते पर हैं, उस लोग पर दुख आएगा चलाया जाए, क्योंकि ये समाज में इस तरह कुर्तियां रहेगी तो आतंक बढ़ेगा, बदमाशी होगा, लोग गलत बनेंगे, गलत समझ लेते हैं। इससे सारे प्रशासन से मेरा कदमबद्ध प्रार्थना है और सही पत्रकार महोदय से प्रार्थना है ये गलत चीज को रोकें, कारण ये गलत ये जो है जो हमारे ऊपर हरजन एक्ट करके केस किया गया है बिल्कुल सरासरी गलत था और इस पर सब ये व्यवस्था जो सरकार है ये पर ध्यान दे और हमें सही दोषी जो है उसको छोड़े नहीं या निर्दोष है उसको फंसाए नहीं, ये मेरा कहना। इसके विरोध में हम कभी नहीं दिए, हमको विश्वास से नहीं था ये हम पढ़ कर हमको मालूम ही नहीं था। आज हमको एक कहीं मालूम हो गया तो हमने गए उसका निकाले हैं, अब कल फिर जाएंगे कोर्ट में पता लगाएंगे जो बात सही है कि गलत है। लेकिन ये तो घनघोर जुलूम है, हम उस महिला को पहचानते भी नहीं है। अगर मान लीजिए हम मुखिया हैं, वो आंगनबाड़ी सेविका है, उसका पति पूर्व मुखिया है, उसके बाद मान लीजिए हमारे ऊपर इतना गलत इल्जाम लगाया, अपना प्रतिष्ठा को हनन कर दिया, अपने मुख से प्रतिष्ठा हनन कर दिया है, हमारी 60 साल की उम्र है, ये समझिए कहाँ का मैंने सही बात था। जिस आदमी के चलते मान लीजिए हमारे समाज का अगर तो 2 बार मुखिया में खड़ा हुआ, उसको हम इतना मदद किए जो कुछ कहने लायक नहीं, हर चीज से मदद किए, अभी भी उसके यहाँ हमारा पैसा बाकी 80,000 रुपया नहीं दिया। ये प्रतिशोध भावना में देखिए हमारे ऊपर कैसा इल्जाम लगवाया अपने पत्नी से। तो ये राजद का वह समर्थक इस इलेक्शन में भी हमारा विरोध किया, हम थे मान लीजिए बीजेपी समर्थक थे तो राजद मान लीजिए इंडिया के समर्थक थे, इस कारण के वास्ते उसने इस प्रकार का बिल्कुल इसी कारण लेके हमको फंसाया। गांव के कुछ लोग हैं महान भाव हैं और ये सभी मिलकर इस तरह से घटना हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया। मेरा नाम रमेश सिंह, घर विक्रमपुर, पंचायत विक्रमपुर, और हम पूरे बिहार मुखिया प्रदेश महासंघ के सचिव हैं, सह अपने पंचायत के विक्रमपुर पंचायत के हम नौकर हैं, सेवक हैं।